ये क्या हो रहा हैगा? दिन दहाड़े झाड़ के पिछाड़े पांच लुंगाड़े आलती पालती मारे, ये क्या हो रहा हैगा? साहब जुआ चल रही है। अरे वो तो मैं भी दे रहा हूँ। देखिए भाईजान तमीज से बात कीजिए, हम लोग रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं। तमीज से बात तुम करो, साहब हमारे सीनियर हवलदार हैं। अरे सीनियर हवलदार हैं तो बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो टाइम पास करने के लिए धैला पकड़ खेल रहे हैं। धैला तो पकड़ में आया नहीं खान, तुम पकड़ में आ गए हो। कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा? क्योंकि हम नहीं भाग सकते, हम चल सकते। चलो हमारे साथ थाने, वहाँ चल के सुनेंगे तुम्हारे बहाने। चलो थाने अरे ये कहाँ लेके जा रहे हैं लोगों को भाई? दिन दहाड़े पार्क में जुआ खेल रहे थे। नहीं बेटा इन्हें गलत फहमी हुई है, हम शरीफ इज्जतदार लोग हैं, हम सिर्फ ताश खेल रहे थे। मैं तो पहले ही कह रहा था कि अच्छे खां की शादी अगर छिंदवाड़ा वाले प्यारी की बेटी से हो गई ना तो समझो गई बहस पानी में। मुंशी जी अरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैगा मेरा, मेरी बीवी खुद छिंदवाड़े की है और ऐसी करी वाली कि एक बार करेले को भिंडी कह दे तो भिंडी साबित करके रहेगी सुजरी। मुंशी जी ये सब क्या हो रहा है? मैं इतनी देर से आपके सामने खड़ा हूँ, आप फोन पे बात किए जा रहे हैं? क्या बात है भारत बाबू, इतने फटे क्यों जा रहे हो? मुझे अपना पंखा चाहिए साहब, ये लो उसका सुपुर्दगी नामा। अरे वो तो मैं ये भी देख रहा हूँ भैया, मगर पंखा आज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ऐसे जो साहब तफ्तीश के लिए बाहर गए हैं, जब वो आएंगे कल मिल जाएगा पंखा। आप अपने एसपी का नंबर देना मुझे, तुम्हारी कंप्लेंट लिखवाता हूँ मैं। अरे कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बाद ही मुझे अपना पंखा नहीं मिल रहा है। एक आम आदमी की आत्मा जाग गई है, बाद में फोन करूंगा। थैला लाए हो? आएगा थैला। भारत बाबू पंखा काहे में लेके जाओगे? वरना हाँ साहब। क्या चाहते इधर ला, इधर इधर ऐसा ठहर हो जाएगा। अरे क्या कर रहा हूँ? शर्मा पंखा ले गया। लीजिए भारत बाबू आपका पंखा, घर जाइए और हवा खाइए। थैंक्स बाबू जी, पंखा मिल गया। क्या बात है, आजा बेटा भारत आजा। चलो भाई एक टेंशन तो खत्म हुई। अबे क्या हो गया? चार पंखी वाला पंखा जी, पर हमारा तो दो पंखी वाला था। ये क्या कर रहे हैं आप बाबू? अरे अरे इस पंखे को देखते ही याद आ गया कि हमारा दो पंखी वाला पंखा था, और वो पंखा मैंने, मेरा बलिया का एक दोस्त था उसका बेटा कॉलेज में एडमिशन लेने आया था यहाँ, तो मैंने कहा बेटा तेरे को हॉस्टल में गर्मी लगेगी हमारा पंखा ले जा, वो पंखा मैंने उसको दे दिया था। बेटा ये हमारा पंखा नहीं है। नहीं नहीं भाऊजी, पुलिस ने चोर को पकड़ा, गवाह ने चोर को पहचाना, जज ने फैसला सुनाया कि ये पंखा हमारा है, और आप कह रहे हैं कि ये पंखा हमारा है ही नहीं, अब क्या करें? बेटा मेरे को तो लग रहा है इसमें है ना शनि का वास है, जब से ये ग्रह हमारे घर में घुसा है तब से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अच्छा एक बात बता, इस पे कितना खर्चा हो चुका है अब तक? 31,000 भाऊजी। 31,000? अबे इतने में तो पूरे मोहल्ले के पंखे आ गए होते। बेटा इससे पहले कि 31 के 71 हो जाए और हम लोग बर्बाद हो जाएं, इस मनहूस पंखे को ठिकाने लगाया। मेरे को तो इसके सामने बैठने में ही घबराहट हो रही है। मैं जा रहा हूँ अंदर सीलिंग फैन की हवा खाने। अबे ले जा किसी भी तरह से इसको बाहर ले जा। चुन्नू फरिश्ता नाम उसके पास से पंखा बरामद। हमारे घर से कोई पंखा चोरी नहीं हुआ? उसका कहना है कि उसने जो पंखा, ये हमारा दो पंखे वाला पंखा, कानून को कोई गलत फहमी नहीं। 100 रुपए का पंखा तुम्हारा है। 30,000? हाँ बोलो साहब, रम वोद का दारू विस्की बियर कॉकटेल। भाई खाली चाय मिलेगी? खाली चाय नहीं मिलेगी साहब, खाली कप मिलेगा, और हाँ यहाँ खाली बैठने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जल्दी बोलो। एक चाय और साथ में बिल लेके आना। एक बिल और एक चाय अभी लाए। भोपाल की 5 विधानसभा सीटों में से 4 में वोटों की गिनती चालू है और 1 सीट का परिणाम घोषित हो चुका है। यहां मंकु त्रिपाठी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोहनलाल को हराकर लगातार तीसरी बार इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। लो साहब ये बिल और ये चाय, ये लीजिए। साहब ये लो अपना बैग पकड़ो साहब।
कसम से साहब आप भी ना बहुत बड़े छोड़ू हो। कप में चाय छोड़ दी, टेबल पे पैसे छोड़ दिए, नीचे ये बैग छोड़ दिया ना, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। कमाल है यार, भलाई का जमाना ही नहीं है, बैग दो डांट भी खाओ। बढ़िया है यार। मोहनलाल जी, आप इलेक्शन हार चुके हैं, क्या आप सिंगापुर वापस जाएंगे? जी नहीं, मैं यहीं रहूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जिस नेता को ये पब्लिक 5 साल गाली बकती है, उसे फिर चुनाव में कैसे जितवाती है। हा? अरे तो बजी नहीं रहा है। अबे तेरे बाप ने कभी बम फोड़ा है? नहीं से दबा। अबे अगर सही टाइम पे नहीं फटा ना तो गुट्टू भाई उल्टा लटका के क्या करेंगे पता है ना? क्या करेंगे क्या करेंगे क्या? भेड़ से जो रहा कर रहा हूँ लो, तुम दबा लो। हाँ, बात कर रही है। अबे पुलिस कैसे आ गई भी? अरे न्यूज चैनल वाले भी आ गए, आप ही तो करते हो न्यूज बननी चाहिए, तो दबा दो यार। हम फुटने से पहले पुलिस आ गई। कोई बात नहीं, पुलिस को बुला दो। अरे साहब ये क्या हो रहा है? ये बैग तो मैंने खुद उस कस्टमर को वापस किया था, क्या जाने कब वो आके वापस चिका गया। और साहब मेरे दिमाग में टन 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 हुई, मैं सीधे गया साहब के पास। मैंने मालिक को बोला, गुरु बॉम्ब स्क्वाड वालों को फोन लगाओ, खाली बैठ रहे थे उन्हें बुलाओ। बिल तो भरा नहीं, लेट कर गई है। अबे वो सब छोड़, गुड्डू भाई क्या करेंगे पता है ना, बम ढूंढते गया का। साफ करते करते जिंदगी गटरों में बीत रही है और तुम लोग अपने घर का सारा कचरा इन नालियों में डालते हो। फिर लोग कहते हैं सरकार नालियां साफ नहीं करवा रही है, गटरे जाम हो रही हैं। अबे आ गया इसका थैला, ये कचरा अपने साथ रख। तेरी तो स्कूटर वाले का पैर घसड़ रहा है, आवाज दे उसको। स्कूटर वाले भाई साहब, ओ भाई साहब रोको, जरा रोको, स्कूटर रखो, तुम्हारा थैला घसड़ता जा रहा है, रोको रोको। क्या हुआ? अरे भाई साहब आप बैठ के जा रही हो, आपका थैला सोता जा रहा है। अरे ये बैग तो अब है। अरे दबंग पीढ़ी वाला बैग है, पीछे बैठा था, बैग बदल लिया, पीछे बैठ गया। चल दे दो बेटा, जी सर बेटा, मालिक जी सर। अभी तो ये रिया आदमी किधर है? चला ले रिया। भैया मैं चाहता हूँ और जाकर चला लेता हूँ, तो मौका मिलते बैग उठा लियो। ये लो साहब आपका बैग, लेके भाग रहे थे मैंने बचाया साहब। साहब आप 10 रुपए देना साहब। अगर आपने मेरा बैग बचाया नहीं होता 100 रुपया देता मैं आपको। अरे साहब बहुत लोग खा के चले गए मेरा पैसा, आप भी खा जाओ।